जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने की मां की मारपीट, पहले भी कर चुका है भाई की हत्या। खबर शिवपुरी के नायकी बगिया से है, जहां पर हम आपको बता दें कि नायकी बगिया में एक पीड़ित बुजुर्ग महिला कोतवाली पहुंची। उसने बताया कि उसके लड़के ने उसकी मारपीट की और आए दिन वो उसे परेशान करता है, जिसके चलते विवाद की स्थिति निर्मित रहती है। बुजुर्ग महिला की बहू ने बताया कि मेरे पति की 10 साल पहले मौत हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, देवर इसी तरीके से मारपीट करते हैं। टीआई खेमरिया ने बताया कि पहले भी बुजुर्ग महिला के बेटे पर हत्या का मामला दर्ज है, अभी मेडिकल कराया गया है, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। नहीं, इसने पहले क्या 2003 में भी इसने दीदी और भैया को दोनों को जहर देके और फिर जला के मारा था। इसकी सत्यकथा भी छपी हुई थी और अभी भी यह हम लोगों को ब्लैकमेल करता है और इसने मेरे को और मम्मी को कह रहा है कि तुम्हें प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दूंगा और इसने मुकदमा दायर कर रखा है मेरे पे भी। क्या मुकदमा दायर किया? कि मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इनकी बहू नहीं हूँ और मुझे धमकी भी देता है मारने की कि मैं तुम्हें देख लूँगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पति भी नहीं है, उनको ख़त्म हुए 10 साल हो गए और मैं अपनी सास का पूरा पालन पोषण करती हूँ, वो फिर भी अब उससे हमें जान का खतरा है। उसने क्या कहा, मेरा बेटा मुझे परेशान करता है, इससे मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे बहुत डर है, इससे घर नहीं आना चाहिए बिल्कुल। चाहे जब मेरे पे आक्रोशित बहुत है ये, तो क्या कहते हैं, मेरे पे जुर्म करने लगता है, चाहे चिल्लाता। आज नाम है आपके बेटे का? रोहित नाम है। और आज तो उसने अति कर दी, मुझे पूरी बुरी तरह से मारा है। एक बार और मारा था इसने स्टूल से मेरे को, तब उसके पापा थे तब उस समय तो, और आज मेरे को अकेली देख के इसने बहुत क्यों मारता है? आक्रोशित हो जाता है ये, जब से जेल से आया जब से आक्रोशित है ये। जेल क्यों गई थी? जेल इसने दो मर्डर करे थे, मेरे बेटी का और मेरे बेटे का। MSc फर्स्ट क्लास लड़का था, राष्ट्रीय अवार्डेड लड़की। उस क्या नाम थे आपके बेटे बेटी जिनको मारा? संदीप और रोहित। संतीन में उनका मर्डर कैसे किया? उनको क्या कहते, मैं तो वहाँ शादी में गई थी, मैं तो घर पे नहीं थी, कोई अकेला देख के इनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पापा उसके रिश्ते के लिए गए थे लड़की के, और क्या कहते, अकेला देख के इनमें जाने क्या हुआ, मार दिया उनको और जला दिया इसने। अच्छा, मार के जला दिया? हाँ, फरार हो गया। और उसी केस में जेल में थी? हाँ। और उसके बाद उसके पापा को ले गया, पापा ख़त्म हुए थे इसके। किसने मारते थे? प्रॉपर्टी का विवाद है कोई? नहीं, प्रॉपर्टी का नहीं, ये उनसे छेड़ता था तो उनको भी। ये इन लोगों का आपस में कुछ जमीन जायदाद के बंटवारे की वजह से घर का विवाद चल रहा है। तो एक माँ है बुजुर्ग, उसकी वो रिपोर्ट करनी आई थी कि मेरे लड़के ने मारपीट की है, लड़के को बुलवा लिया है, जैसी भी रिपोर्ट होगी देख लेंगे उनके खिलाफ। क्या ये लड़की ने पहले अपने भाई बहन का भी मर्डर किया है? एक मर्डर में रहा है ये। तो क्या FIR दर्ज की जा रही है इसमें? अभी मेडिकल कराने भेजा, उसके बाद जैसी भी मेडिकल के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।